सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल पिजन रील्स को और इस बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे पिजन रील्स। आज की वीडियो का टॉपिक है मैं आपको बताऊंगा कबूतरों के बच्चों में जो सूजन आ जाती है। आप सबसे पहले ये बच्चा देखिए, ये कबूतर का बच्चा, ये इसके पैर से ब्लीडिंग भी हो रही है। ये देखिए, ये इसके पैरों में सूजन आ गई है। आज इसी कबूतर का इलाज करूँगा। ये कबूतर देखिए आप मेरा, इसके देखिए मुंह में भी ये दाना आ गया है। ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, एकदम अच्छी कबूतर का बच्चा ये देखिए। तो इसके लिए हमें चाहिए ये फिटकरी। ये गौर से देखिए फिटकरी, ये आपको किराने की दुकान में मिल जाएगी 10-20 रुपए में। इस फिटकरी को चूर करके गर्म पानी में इसको खौला करके और पानी को नॉर्मल होने तक, गुनगुना होने तक पानी को साइड में रख दीजिए। और उसके बाद जो कबूतर के पैर में सूजन आ गई है उस कबूतर को आपको उस पानी में डालना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये फिटकरी को मैंने चूर करके ये पानी में डाल दिया है। ये पानी देखिए, ये जब तक खौलाना है, पानी को गर्म करना है जब तक ये पिघल ना जाए पानी में। ये मैं और भी डालूँगा। ये पानी का कलर देख सकते हैं, फिटकरी पूरा इसमें पिघल जाएगा। तो गरम करना है पूरा हाई फ्लेम में। ये पानी मेरे देखे गरम हो गई है, ये भी गरम पानी है। इसको हमें ठंडा करना है जब तक कि आपका हाथ इसमें पानी में ठहर ना जाए। ये गरम पानी है, देखिए भाप भी निकल रही है पानी। ये दोस्तों हमारा पानी ठंडा गया, ये मेरा हाथ पानी में ये रखा जा रहा है। ये पानी को मैं इस ग्लास में डालूँगा। ये आप क्वान्टिटी देख सकते हैं पानी के। तो चलते हैं अंदर कबूतर के पास। ये हमारा कबूतर, ये देखिए पैर ये कैसे उठा के रखा हुआ है। आजा आजा आजा, कबूतर को लेना है और ये इसे पानी में ऐसे करके डालना है। ये 5 मिनट तक ऐसे रखना है पानी के अंदर। ये पानी में आप देख सकते हैं इसके पैर है। मैं 5 मिनट के बाद आपको मैं इसका दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये 4 दिन का कोर्स है। इंशाल्लाह आपके कबूतर का पैर ठीक हो जाएगा और मेरा भी कबूतर का पैर ठीक हो जाएगा। तो और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नए टॉपिक में।